मुकामी महफिलों को भी बैनुल अक्वामी महफिल बनाने का होना रखते हैं अपनी नजामत के दौरान जनाब इशफाक साहब का इस्तकबाल करें, सलवात भी पढ़ दीजिए मोहम्मद। ये लफ्ज़ कह के गदीरी भाई ने आज की महफिल को भी बैनुल अक्वामी बना दिया। और माशाल्लाह से जब मीडिया के ज़रिया से दुनिया में बात फैलती है तो हर तरफ जाती है। हम लोग समझते हैं कि यहाँ सिमट के शाही मस्जिद तक है, पता नहीं ये अशार, ये महफिल और ये गदीरी भाई की निज़ामत दुनिया के कौन कौन हिस्से तक जाती है, अल्लाह जाने। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र। तो मुलाहिज़ा फरमाए एक सलावात के साथ आप हज़रात। ये पैटर्न मटिया बुर्ज में बहुत बेहतरीन एक ये है कि तख्त के ऊपर बैठ के ऐसे पढ़ना, उस्ताद सिप्त जाफ़र वगैरह ऐसे पढ़ते थे, तो अक्सर ये होता है पाकिस्तान में, बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा है। एक मरतबा महफिल सजाने वालों के लिए और हाज़रीन महफिल के लिए मिलजुल के बावाज़ बुलंद सलावात। नाज़िम साहब के बाद पढ़ना माशाल्लाह से इतनी बेहतरीन शायरी और इतनी नफासत के साथ अदायगी, बहरहाल मौला की मिदहत है। मुलाहिज़ा फरमाए कि रहमतें आती हैं बस हक के तलबगारों पर, रहमतें आती हैं बस हक के तलबगारों पर, लानतें पड़ती हैं बातिल के तरफदारों पर, लानतें पड़ती हैं बातिल के तरफदारों पर, और आ गए तेरवे मासूम पढ़ो सल्ले अला। आ गए तेरवे मासूम पढ़ो सल्ले अला, बरकतें आती हैं मौला के परस्तारों पर, बरकतें आती हैं मौला के परस्तारों पर। और तज़मीन देखें कि उनके बेटे के तसद्दुक से मिलेंगी फिक्रें, उनके बेटे के तसद्दुक से मिलेंगी फिक्रें, मिधते अस्करी लाजिम है कलमकारों पर, मिधते अस्करी लाजिम है कलमकारों पर। और शेर देखें, नाज़िम साहब सितारों का भी आपने ज़िक्र किया था कि वो अंधेरों के परस्तार हैं जो बादे नबी, वो अंधेरों के परस्तार हैं जो बादे नबी, शम्स को छोड़ के तकिया जो करे तारों पर, शम्स को छोड़ के तकिया जो करे तारों पर, वो अंधेरों के परस्तार हैं जो बादे नबी, शम्स को छोड़ के तकिया जो करे तारों पर। और शेर देखें कि अहले ईमान चले दीन बचाने के लिए, गदीरी भाई, अहले ईमान चले दीन बचाने के लिए, वरना क्या खाक चले कोई भला खारों पर, वरना क्या खाक चले कोई भला खारों पर। और एक दो शेर करबला के हवाले से भी इस तरह से आ गए हैं कि भूख और प्यास में 9 लाख के लश्कर के खिलाफ, 9 लाख या 2 लाख जो भी, मौलाना कुमैल साहब इस्लाम के, भूख और प्यास में 9 लाख के लश्कर के खिलाफ, गलबाए जोशे शहादत है वफादारों पर, गलबाए जोशे शहादत है वफादारों पर। और शेर देखें कि धार को मोड़ दिया जज्बाए ईमानी ने, धार को मोड़ दिया, गदीरी भाई, धार को मोड़ दिया जज्बाए ईमानी ने, गर्दने प्यासों ने रखी है जो तलवारों पर, गर्दने प्यासों ने रखी है जो तलवारों पर, धार को मोड़ दिया जज्बाए ईमानी ने, गर्दने प्यासों ने रखी है जो तलवारों पर, गर्दने प्यासों ने रखी है जो तलवारों पर। और
असरे हाजिर के तनाजुर से एक दो शर्त तो कहनी पड़ेगा कि जो टीचर हजरात है वो जानते हैं कॉम्पिटेंसीज जो होती है, लिखना पढ़ना सुनना बोलना, ये कॉम्पिटेंसी होती है पढ़ाने के लिए भाई। तो जो लिखे सरवरे कौनैन के कुरआन के खिलाफ, जो पढ़े सरवरे कौनैन के कुरआन के खिलाफ, जो सुने सरवरे कौनैन के कुरआन के खिलाफ, चार कॉम्पिटेंसीज होती है, और जो कहे सरवरे कौनैन के कुरआन के खिलाफ, मिलके लानत करो इस्लाम के गद्दारों पर, मिलके लानत करो इस्लाम के गद्दारों पर। और फिर शेर देखें कि हो वो तस्लीमा के रुश्दी हो वसी में मुर्तिद, हो वो तस्लीमा के रुश्दी हो वसी में मुर्तिद, लानते भेजो सदा तीनों जफाकारों पर। लानते भेजो सदा तीनों जफाकारों पर, हो वो तस्लीमा के रुश्दी हो वसी में मुर्तिद, लानते भेजो सदा तीनों जफाकारों पर। और आखिरी के शेर मुलाहिजा फरमाए, इश्क़े विला वो है निभाने वाले, आज भी इश्क़े विला, आज भी इश्क़े विला वो है निभाने वाले, या अली कह के गुजरते हैं जो अंगारों पर, या अली कह के गुजरते हैं जो अंगारों पर। और वक्त के इमाम के हवाले से आखिरी शेर के, गैब में रह के तेरे लाल ने रखी है नजर, गैब में रह के, गैब में रह के तेरे लाल ने रखी है नजर, वक्त मुश्किल जो पड़ा शेह के अजादारों पर, वक्त मुश्किल जो पड़ा शेह के अजादारों पर। और मांग मौलूद के सदक़े से जो अशफाक दुआ, मांग मौलूद के सदक़े से जो अशफाक दुआ, फिर तकी फिर नकी क्यों ना अता कर दें नमक खारों पर, फिर नकी क्यों ना अता कर दें नमक खारों पर। सलवात पर मोहम्मद वाले। اللهم صل على محمد وآل محمد.